Hello everyone, I welcome you all once again to Avizen's online platform for SSE bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we are going to learn some very important skills to master vocabulary, how to retain vocabulary, how to memorize vocabulary, how to identify root words. So I hope this class is going to help you a lot in your preparations. So if you remember, in the last class we had given you some hints regarding a what approach. So I want to clarify a bit more. In vocabulary we need to master two things and two segments. One is what kinds of vocabulary, what kinds of words you need to master, you need to learn. And second part is how you are going to memorize, how you are going to retain, how you are going to reproduce in examinations. So these two are two different skills. So as I had told you in the last class, in what they are not bothered about anything and everything about vocabulary. They just want you to do their work properly. And to do this work, you must need vocabularies of documentation, standards, bidding, administrative words, legal terms. Getting it? So these are going to be our priorities. So rather than learning some random words from any book, from any newspaper, now we will keep searching words of legal terms, documentation ka terms, bidding and tender ka terms. Aap dekhoge ki aap agar kam collection bhi aapne agar prepare karke gaye ho, phir bhi exam mein bahut sara terms aapko familiar dikhega. Theek, agar aapne random collection prepare kiya hai तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स करने के बाद भी एग्जाम में आपको कुछ अननोन और स्ट्रेंज वर्ड ही फेस करने को मिलेगा. ठीक है, इस चीज पे थोड़ा आपको क्या करना है, काम करना है. मैं बाद में आपको 800 वर्ड्स का एक लिस्ट अपलोड कर दूंगा, है ना. आप उस लिस्ट को थोड़ा सा प्रॉपरली प्रिपेयर करो, बिकॉज ये जो लिस्ट है ये केवल इंडिया का नहीं बल्कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनली यूज्ड वॉकेबुलरी का जो कलेक्शंस है, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स का, ये उसका कलेक्शंस है. तो आप इसको क्या करोगे, एज अ प्रायोरिटी बेसिस पे थोड़ा सा लर्न करोगे. लास्ट क्लास में हमने वो कुछ 200 वर्ड्स में से कुछ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड्स का कुछ एक बार हमने आपको एक बार गो थ्रू किया था, है ना. तो इस बार आप क्या करोगे, 800 वर्ड्स के कलेक्शंस को लर्न कर. एक चीज हो गया. दूसरा चीज, 80-20 अप्रोच. 80-20 अप्रोच का मतलब है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ड्स. दे आर बॉदर्ड अबाउट ओनली वर्ड्स दैट मैटर द मोस्ट इन देयर पर्पस, टू सर्व देयर पर्पस. इसलिए आप देखोगे प्रीवियस ईयर के कलेक्शन में 20% सेलेक्टेड वर्ड्स है. मे बी, मुझे लगता है मे बी नॉट इवन 2000, लेस देन 2000 वर्ड जो है वो आपको कई बार रिपीट किया हुआ मिलेगा पूरे एग्जाम में. लास्ट 20 ईयर्स का आप देखो, वो जो कलेक्शन है लेस देन 2000 वर्ड्स का, तो आपका डिक्शनरी में वॉकेबुलरी है मिलियंस में, लेकिन ये 2000 वर्ड्स कई बार रिपीट हुआ है और बाकी मिलियंस ऑफ वर्ड्स दे हैव नेवर बॉदर्ड, वो कभी दिखा नहीं एग्जाम में. तो आपको क्या करना है, इस अप्रोच पे थोड़ा सा काम करना है. समझ में आ गया. अभी हम और क्या करेंगे, अब हम थोड़ा हाउ के को डिस्कस करेंगे कि इफ नाउ आई हैव कलेक्शन व्हाट आई नीड टू डू, अब मैं इसको मास्टर कैसे करूं, इसको मेमोराइज कैसे करूं,
इसको रिटेन कैसे करूं और एग्जाम में जाकर मैं प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कैसे करूं। मैं आपको बता दूं, यहां जो कुछ आप स्किल्स देखोगे ये बहुत ही स्पेसिफिक है, एक्सक्लूसिव है, यानी कि जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेगा, समझ में आया। तो इसको आप क्या करोगे, अच्छे से केयरफुली करोगे, ये आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा और आप देखोगे एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओ। हाउ में हमको क्या सब करना है, हाउ में है मास्टर रूट वर्ड्स। ठीक, क्या करना है आपको, रूट वर्ड्स को मास्टर करना है। रूट वर्ड्स क्या है, एक ही वर्ड के रूट से डजन्स ऑफ वर्ड डिराइव हुआ है और वो सारे वर्ड्स के मीनिंग में वो रूट वर्ड्स का मीनिंग कॉमन मिलेगा आपको। क्लियर हुआ, फिर से समझिए, एक इफ अ फैमिली ऑफ वर्ड्स इज डिराइव फ्रॉम अ सिंगल रूट, तो उस वर्ड का जो मीनिंग होगा वो सारे वर्ड्स में कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रूट वर्ड है सी आई आर, क्या बोला हमने, सी आई आर। अब अगर कोई भी वर्ड सी आई आर से डिराइव हुआ है, इट मीन्स इफ सी आई आर इज प्रेजेंट इन एनी वर्ड, उसकी मीनिंग में सर्कल या राउंड मीनिंग जरूर आएगा। आप देखो मोस्टली क्या बोला हमने, राउंड मीनिंग आएगा, सर्कल, circumferences, circumnavigate, है ना, circumstances, और भी बहुत सारा, even circus, ठीक, वो चीज कहते हैं root words। तो अगर आपने एक root words को अच्छे से learn किया, then what happen, dozens of words you can guess, predict properly किस word का meaning क्या हो। यहां पे example में कुछ लिखा हुआ है, misanthrope, एंथ्रोपोलॉजी, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपमॉर्फिज्म, ये सब वर्ड है, ये सारा वर्ड एंथ्रोप ऑरिजिन से डिराइव हुआ है, किससे, एंथ्रोप, क्या आप देख रहे हो, ये देखो सब में क्या चीज कॉमन है, एंथ्रोप। तो अगर मुझे ये सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी पता, बट आई नो कि एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग होता है, देन आई कैन प्रॉपरली गेस कि इस वर्ड के मीनिंग में ह्यूमन मीनिंग का जरूर कॉमन होगा मीनिंग, है ना। तो ऑप्शन में यूजुअली क्या होता है, अगर मिसएंथ्रोप दिया हुआ है, एक ऑप्शन होगा जो ह्यूमन से रिलेटेड ऑप्शंस होगा, बाकी में तीन इररिलेवेंट ऑप्शन रहेगा, तब तो वो गलत होगा, गेटिंग इट। तो जिस ऑप्शन में आपको ह्यूमन चीज डिस्कस हुआ है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट मीनिंग है, यू कैन एटलीस्ट गेस करेक्टली। ठीक, एंथ्रो, मिसएंथ्रोप का मतलब है समवन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब है, फिल का मतलब लव होता है, समवन हु लव्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, एंथ्रोपमॉर्फिज्म का मतलब है मॉर्फिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, किसी को ह्यूमन का शेप देना एंथ्रोपमॉर्फिज्म कहलाता है। तो ये आपका क्या है, वोकैबुलरी को मास्टर करने में रूट वर्ड्स प्ले मेजर रोल। अभी हम क्या करेंगे, इस थोड़े कुछ डिस्कस करने के बाद हम कुछ प्रोमिनेंटली रिपीटेड रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, एक चीज मैं आपको कह दूं, कभी कभी बहुत छोटा सा हिंट्स भी आपके लाइफ पे बहुत ग्रेट एंड ह्यूज इंपैक्ट डालता है। ये जो ऑप्शन टू आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा ऑप्शन है, इट हैज पोटेंशियल टू चेंज योर होल प्रिपरेशन एंड योर आउटकम। ठीक, ये आपके पूरे प्रिपरेशन के नेचर को और उसको, इसको आउटकम को चेंज कर देगा अगर आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। इट इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। व्हाट इज पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग का मतलब है आप एक्टिवली लर्न मत करो,
पैसिवली लर्न करो एंड यू विल स्टिल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। पैसिव स्मोकिंग आप जानते हो, अगर कोई आपके पड़ोस में स्मोक कर रहा है, यू आर नॉट स्मोकिंग, बट इफ यू आर स्टिल स्टैंडिंग देयर यू विल बी गेटिंग अफेक्टेड। उसका जो भी उनका ड्रॉबैक्स है, चीज है, वो एडवर्स इफेक्ट आप पे होगा। इन पैसिव लर्निंग यू आर सपोज टू रिकॉर्ड द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी, टेक कलेक्शन ऑफ 20 वर्ड्स, वेरी फ्रीक्वेंटली रिपीटेड 20 वर्ड्स, जो अननोन वर्ड्स आप नहीं जान रहे हो, रिकॉर्ड द वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड कीप लिसनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली व्हेनेवर यू हैव स्पेयर टाइम। समझ में आ गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको 20 मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड का वो हमने लिस्ट दिया है, हम फिर बाद में देंगे, आपके बुक में मिलेगा। यू रिकॉर्ड द मीनिंग ऑफ 20 रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कीप लिसनिंग इट व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम एंड स्पेयर टाइम। तो अगर ये मिसैंथ्रोप का मतलब समवन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग आपके कान में बार 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 बजते रहेगा, विल यू एवर फॉरगेट दिस वर्ड? नहीं ना। तो बिना प्रॉपरली टाइम स्पेंड किए यू लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग। एक बार अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया, बिलीव माई वर्ड्स, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे हैव यूटिलाइज दिस वेरी वेल एंड दे हैव गॉट वेरी इंकरेजिंग रिजल्ट एज वेल। जो उन्होंने 6 महीने में एक्टिवली लर्न नहीं किया, वो विद इन फ्यू मंथ्स वो कर रहे हैं। ठीक, इफ पॉसिबल आई विल सजेस्ट यू, यू कैन इवन रिकॉर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग एंड एन कीप लिसनिंग इट। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्लियर है, पैसिव लर्निंग को आपको करना है। थर्ड अप्रोच जो है वो इट इज कॉल्ड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अप्रोच, है ना। ये क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अप्रोच है। कोई भी चीज अगर आपके नजर से दूर है, आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आई साइट, इट विल रिमेन इन योर ब्रेन ऑल्सो। तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। व्हाट शुड वी डू, जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का लिस्ट है वो आप बार बार पेज पलटो, कीप लुकिंग एट द शीट ऑफ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड्स का जो कलेक्शन है ना, उसको आप क्या करोगे, बार बार पेज पलटोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, नजर के सामने रखोगे, जहां जा रहे हो उसको कैरी कर रहे हो। इट मींस आपके पास 10 मिनट है, एक बार हमने पेज को पलट लिया, बिलीव माय वर्ड्स, यू जस्ट कीप फ्लिपिंग द पेजेस, कीप लुकिंग एट दीज, कैजुअली रीड, यू विल फील आफ्टर फ्यू वीक्स इट विल गेट मैप, इट्स कॉल्ड मेमोरी, यू नो, ब्रेन मैपिंग। वो मेमोरी में आपका मैप हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल। एग्जाम में जब वो चीज आएगा, यू कैन रिकॉल एंड यू कैन सी द पिक्चर कि व्हाट वाज रिटन ऑन पेज नंबर 3, पेज नंबर 5। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। समझ में आ गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक अप्रोच है, स्लोवेस्ट इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट। While you try to memorize the vocabulary, you will read, you will intake very slowly, dead slow. Just try this. Usually क्या होता है, अगर आप किसी चीज को बहुत slowly बोल के memorize कर रहे हो, learn कर रहे हो, every cell of your brain recognizes it. They get familiar with these terms. And you will remain it, you will recall it even after a few months. समझ में आ गया? तो जब आप vocabulary को memorize करोगे, slowest rate of speed से पढ़ के memorize करो। Misanthrope means someone who hates human being. समझ में आ गया? Anthropomorphism is process of
गिविंग ह्यूमन शेप। एकदम स्लोली बोल के पढ़ो, मेमोराइज करो, प्रैक्टिस करो, आप देखोगे 2-3 बार करने के बाद ही आपको कई कई वीक्स तक आपके दिमाग में जस्ट स्टिक करके रहेगा, ठीक। और एक चीज क्या है, मेक सेंटेंसेस। इफ अगर कोई वर्ड है जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, रिटेन नहीं कर पा रहे हो, यू कीप मेकिंग सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज वर्ड्स, यू विल फील, है ना, कि आप उसको, आप बहुत आपका उसे फैमिलिटी बढ़ गया एंड यू कैन यूज इट प्रॉपरली इन योर सेंटेंसेस, ठीक। तो ये सब कुछ क्या है, अप्रोचेज है जो आपको वोकैबुलरी को लर्न करने में, मास्टर करने में काफी हेल्पफुल होगा। नाउ व्हाट शुड आई डू, नाउ जैसा मैंने बताया देयर आर सर्टेन रूट वर्ड्स that are very frequently repeated in any examination. एक root word से dozens of words frame होता है और exam में दिखेगा आपको, ठीक। तो getting it? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ very frequently repeated root words को discuss कर रहे हैं। आप देखो, आप इसके अलावे भी कुछ और चीज को अपने में include कर सकते, ठीक है। चलो, रूट वर्ड्स में यहां पे है AMI या AMO। AMI जो रूट वर्ड्स है उसका मतलब लव और अफेक्शन होता है। तो अगर कोई वर्ड AMI से डिराइव हुआ है उसके मीनिंग में लव अफेक्शन जरूर कॉमन होगा। जैसे देखो, एमिएबल लवेबल, एमरस इज शोविंग लव टुवर्ड्स एनीवन, अमिटी है गुड रिलेशनशिप। तो किसके साथ आपका रिलेशनशिप गुड होगा, जिसके साथ आपका अफेक्शन है, लव है। तो एमी क्या है, लव एंड अफेक्शन। एंथ्रॉप, एंथ्रॉप का मतलब ह्यूमन होता है। अभी आपने एग्जांपल में एंथ्रॉप का एग्जांपल देखा। APT apt का मतलब स्किल होता है। एनी वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम APT विल हैव स्किल इन देयर मीनिंग। मैं चीज बता दूं, ये जो आप एंथ्रॉप वर्ड देख रहे हो ना, एग्जाम में एंथ्रॉप से कम 30-35 वर्ड्स आता है जो एंथ्रॉप से डिराइव हुआ है, ठीक। तो आप 35 डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग ना कर पाओ, तो कम से कम ये अगर जान रहे कि एंथ्रॉप का मतलब ह्यूमन बीइंग होता है, कि मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें से बहुत सारे वर्ड्स को करेक्टली एग्जाम में कर लोगे, ठीक। क्योंकि एक ही प्रॉपर मीनिंग होगा और बाकी इरेलेवेंट मीनिंग होगा। एप्ट का मतलब स्किल होता है, जैसे एप्टीट्यूड है, अडेप्ट है, adapt है, inapt है। adapt का मतलब getting used to, inapt, apt का मतलब skill, in का मतलब insufficient, negative, है ना। तो क्या है, जो skillful नहीं है वो inapt है, clear हो गया। apt का मतलब skillful, inapt का मतलब someone who is not skillful। arch, आर्च का मतलब चीफ या मेन होता है। आर्च बिशप इज चीफ बिशप, चीफ अ प्रेस्ट ऑफ अ चर्च। आर्च एनिमी इज चीफ एनिमी, पाकिस्तान एंड चाइना आर आर्च एनिमीज ऑफ इंडिया। मोनार्क जो है, मोनार्क इज चीफ ऑफ अ किंगडम, दैट इज किंग। और अगर कोई फीमेल चीफ है, इज कॉल्ड मैट्रीआर्च, ठीक। AUD का मतलब हियर होता है, सुनना होता है। ऑडिबल है, ऑडिटोरियम है, ऑडियंस है, ये सब के मीनिंग में सुनना या लिसन वर्ड जरूर होगा, रहता है। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट है समवन हु डजंट लिसन टू एनीवन अदर देन हिमसेल्फ, वो खुद के अलावा किसी की नहीं सुनता, उसको डॉगमेटिक या तानाशाह भी बोलते हैं।
उसके बाद क्या ऑटोग्राफ ऑटोबायोग्राफी, इसमें क्या है सेल्फ वर्ड कॉमन है। BEN, मैं आपको बता दूं BEN वर्ड जो है इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आया है ना, कहीं भी आपको BEN दिखे उसके मीनिंग में गुड या अच्छा हेल्पफुल मीनिंग जरूर होगा। BEN इज अ पॉजिटिव टर्म। एग्जाम्पल में देखो बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर इज समवन हु हेल्प्स यू मोस्टली एंड मेनली फाइनेंशियली। जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हेल्प करता है वो क्या है बेनिफैक्टर है। बेनिफिशियल का मतलब हेल्पफुल। बेनिवोलेंस समवन हु हैज गुड विशेस फॉर यू, गुड फीलिंग्स फॉर यू, जिसको वेल विशर बोलते हो ना, बेसिकली दे आर बेनिवोलेंट पीपल, दे हैव ग्रेट फीलिंग फॉर यू समथिंग गुड सेंस। बिब्लियो BIBLIO, बिब्लियो का मतलब बुक होता है। किसी भी वर्ड में बिब्लियो दिखा इसका मतलब उसमें क्या है बुक से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स होगा। बायो का मतलब लाइफ होता है। किसी कोई भी वर्ड अगर बायो से डिराइव हुआ है उसके मीनिंग में लाइफ वर्ड जरूर कॉमन होगा। CHRON, क्रोन, क्रोन का मतलब टाइम होता है। क्रोन का मतलब क्या होता है टाइम। क्रोनिक, क्रोनिक आपने सुना होगा क्रोनिक डिजीज के लिए यूज होता है। दीज आर क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीज का मतलब वो डिजीज जो टाइम के साथ खत्म नहीं होता या बहुत लंबे समय से आ रहा है सफर हो रहा है। समझ में आया। इफ समवन सफर्स फ्रॉम कोल्ड कफ फीवर दीज आर नॉट क्रोनिक डिजीजेज। आफ्टर वीक एंड आफ्टर फ्यू वीक्स इट ही विल और दे विल गेट क्योर्ड। बट इफ समवन सफर्स फ्रॉम डायबिटीज एंड टीबी एंड आस्थमा कैंसर दीज आर क्रोनिक डिजीजेज जो लंबे समय तक भी उसको नहीं स्पेयर करता, सफर करते रहता। CID इज किलिंग। कोई वर्ड में अगर CID दिख जाए, CID वो पुलिस वाला CID नहीं, CID सिड है ना, क्या है किलिंग है। Regicide is killing of king. Homicide, killing of a human being. Insecticide or pesticide, killing of germs. सब में killing है। CIVI, civil का मतलब citizens. CRED, cred. मैं आपको बता दूं ये जो CRED आप cred देख रहे हो ये word एग्जाम में कई बार आपको दिखेगा। फ्लड क्या हुआ मिलेगा क्रेड। क्रेड का मतलब बिलीव होता है। क्रेड से ही क्रेडिट कार्ड बना है। समवन और सम बैंक्स बिलीव यू दैट यू विल रीपे व्हाट यू हैव स्पेंट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। क्रेडेंस, क्रेडुलस, इनक्रेडिबल। क्रेडुलस इज समथिंग और समवन हु इजिली बिलीव्स। इनक्रेडिबल है समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव। तो कोई भी वर्ड क्रेड का वर्ड क्या है उसका मतलब बिलीव कॉमन होगा। डैम का मतलब पीपल होता है। डैम का मतलब पीपल। DM डैम का मतलब होता है बैरिकेड। ये तो DM डैम है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है ओनली पीपल एंड पीपल आर ऑन रोड। DIC का मतलब स्पीक होता है। डिक्टेट, कॉन्ट्राडिक्ट, प्रेडिक्ट, वर्डिक्ट। DOMIN डोमिन, मास्टर, डोमिनेंट, डोमेन। GRAD ग्रेड का मतलब स्टेप होता है। डिग्रेस, प्रोग्रेस, ग्रेडुअल। ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है। ग्रामर, टेलीग्राफ।
और बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे वहां पे आपने देखा इट मीन्स ग्राफ या ग्राम है, इवन ऑटोबायोग्राफी आता है ना, उसमें ग्राफ है ठीक, तो उसमें क्या है, ग्राफ का मतलब राइटिंग हो ही हो, GYN गायन मतलब विमेन, मिसोजाइनिस समवन हु हेट्स ह्यूमन सॉरी फीमेल एंड लेडी, गायनेकोलॉजी द डिपार्टमेंट ऑफ दैट डील्स विथ डिजीज ऑफ विमेन स्पेशलाइज्ड, एक फिलोजिनी होता है समवन हु शोज लव फॉर विमेन, जुविन का मतलब यंग होता है, रिजुविनेट का मतलब गेटिंग एनर्जाइज, जुविनाइल का मतलब होता है जो अभी एडल्ट नहीं हुआ, लॉ का मतलब लॉजिक होता है, LUC का मतलब लाइट होता है। मैं आपको बता दूं एक चीज, बिलीव माई वर्ड्स, LUC ये लूसिड है ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट, बहुत छोटा सा टर्म है, 1 2 3 4 5 ओनली 5 लेटर वर्ड्स, लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। लूसिड का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनिंग होता है ना, ट्रांसलूसेंट का मतलब भी करीब करीब वही होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है और शाइनिंग भी है। MAGN क्या है, MAGN ग्रेट, मैग्निफाइड, मैग्नेट, क्या है मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है समन हु हैज ग्रेट सोल, समन हु हैज करेज टू एक्सक्यूज एंड पार्डन समवन, मैग्नानिमस है। MAL का मतलब बैड होता है, किसी भी वर्ड में MAL दिखेगा आपको उसका मतलब बैड है ना। मेलवलेंट, मेलवलेंट का मतलब होता है बैड फीलिंग्स एंड बैड इंटेंशन फॉर समवन, मेल डिक्शन है, डिक्शन का मतलब बोलना होता है, मेल डिक्शन का मतलब समवन हु कर्सेस यू, जो आपके बारे में बुरा बोल रहा है वो मेल डिक्शन कर रहा है, मैलिशियस है टू डिफेम समवन ठीक। ये सब आपका क्या है MAL से ऑरिजिन। मैं आपको बता दूं बहुत सारा टर्म्स है, ये कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम में आपको हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स वर्ड्स मिलेंगे जो कि सारे रूट वर्ड से डिराइव हुआ है। मिस का मतलब या मिट का मतलब सेंट होता है, MA ट्रांसमिट डिसमिट, नोव का मतलब न्यू, नोविस नो एक्सपीरियंस, इनोवेट रिनोवेट, खास करके नोविस एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ओमनी का मतलब ऑल होता है, ओमनी सेंट ओमनी पोटेंट ओमनी वोरस, पैथ का मतलब फीलिंग होता है, पैथ का मतलब क्या होता है फीलिंग होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने इम्फेसाइज किया था, कुछ वर्ड्स ऐसा है जो अगर कोई रात के 2 बजे अगर नॉक करके पूछे ना, वो भी आप उसमें रिस्पॉन्स करोगे, तब जाके एग्जाम में कुछ वर्क क्वेश्चन देखते हैं, आप यूं टिक करके आओ गिरेंगे। ये जो वर्ड है पैथ, अपैथी बहुत रिपीट हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टर्म्स अपैथी। पैथ का मतलब फीलिंग्स होता है, आ का मतलब नो फीलिंग्स एट ऑल, जिसका कोई फीलिंग ही नहीं हो, कोई इमोशन ही नहीं हो, वो अपैथिक है। लेकिन एंटीपैथी का मतलब अपोजिट फीलिंग, अगर आप दुखी हो कोई खुश हो रहा है वो एंटीपैथिक है, अगर आप खुश हो वो दुखी हो रहा है वो एंटीपैथी है। कौन करेगा, समन हु डिसलाइक्स यू द मोस्ट, आपका एनिमी करेगा एग्जाम में, ये एंटीपैथी और अपैथी बहुत आया है। फिल का मतलब लव, जैसा हमने बताया फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब लव फॉर लाइफ,
वही तो लाइफ के बारे में बताएगा। गेटिंग इट? चलो, पोर्ट का मतलब कैरी, पोर्टेंट का मतलब एबल, पोर्टेंट का मतलब क्या, एबल, पोटेंशियल, ओमनीपोटेंट, पोटेंटेट, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट मतलब समवन हु इज नॉट कैपेबल टू डू समथिंग, SCI का मतलब नो, साइंस, ओमनिसेंट, कंसाइस, साइंस, ओमनिसेंट, कंसियस, स्क्राइब का मतलब राइट, डिस्क्राइब, स्क्रिप्ट, सर्कमस्क्राइब, SOMN स्वम का मतलब स्लीप, स्वम मतलब क्या, स्लीप, insomnia का मतलब someone who can't sleep, someone who has deficiency of sleep, लेकिन hypersomnia का मतलब who sleeps a lot, who easily feels, who easily falls asleep, somnambulist, someone who walks in sleep, speck का मतलब sea, tr का मतलब land, TRR का मतलब land, एक आता है एक मैनेजर आता है टेरिटरी मैनेजर, है ना, टेरिटरी मैनेजर, वो भी टेर से बना, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया का मैनेजर, टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मैं आपको बता दूं ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बहुत रिपीट हुआ एग्जाम में, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड के आसपास का जगह, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बियॉन्ड आवर लैंड, बियॉन्ड आवर स्पेस, इसका मतलब एलियन या किसी दूसरे प्लैनेट का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस कहलाता है, समझ में आ गया, बियॉन्ड आवर स्पेस एंड बियॉन्ड आवर एनवायरमेंट, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब समथिंग लाइक एलियन एंड अदर प्लैनेट्स रिलेटेड चीज, वीएसी का मतलब वेकेशन, एमटी, वीओसी वॉइस वोकल, एबी का मतलब अवे होता है, एसी का मतलब नियर होता है, देख लो एडमिट, अकॉर्ड, एक्सेसिबल, ये वर्ड देखो, एमबी, एमबी का मतलब बोथ होता है, एमबी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, एमबी का मोर देन मतलब मोर देन वन, समवन हुज स्किलफुल बाय वर्किंग बोथ द हैंड्स, एमबी का मतलब दो या मोर देन वन, तो जो दोनों यहां से प्रॉपरली काम कर सकता हो, इक्वली वेल कर सकता हो, एमबी डेक्स्ट्रस है, एम्बिगुअस बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, लैक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि उसका मोर देन वन मीनिंग होता है, ambivalent, ambivalent का भी वही चीज है जिसका feelings clear नहीं हो, confused है कि वो आपका किसको आप support करो कि oppose करो, आपका दुश्मन है कि दोस्त है, ambivalent है, देख रहे हो, more than one feelings है, A या N का मतलब without होता है, anarchy, apolitical, amoral का मतलब क्या, आ लग गया या एन लग गया मतलब नॉट, एंटी का मतलब अगेंस्ट पता है, सरकम का मतलब हमने बोला था राउंड होता है, सरकम का मतलब राउंड, सरकम नेविगेट, एक ही जगह चक्कर काटना, सरकम स्पेक, सरकम स्क्राइब, काउंटर का मतलब पता है अगेंस्ट होता है, डाया का मतलब अक्रॉस होता है, थ्रू आउट होता है, डायगोनल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, है ना, वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, डायमीटर, डायलॉग, ये सब, आई एन, आई एल, आई एम, आई आर का मतलब नॉट होगा, किसी भी वर्ड के सामने ये सब इनिशिएटिव इनिशियल आ गया, ये सब प्रीफिक्स आ गया, आई एन, आई एल, आई आर मतलब नॉट, इनएफिशिएंट, इनएजिबल, eligible, irresponsible and बहुत सारा terms. Inner का मतलब between होता है, miss का मतलब bad होता है, mono का मतलब one होता है, क्या सब example है, monarchy, एक ही ruler होगा और वो king होगा, है ना, democracy में क्या होता है, many rulers,
किंग सॉरी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स है। मोनोलॉग वन वे ऑफ स्पीकिंग। मोनोथिज्म ओनली वन गॉड, समवन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड इज कॉल्ड मोनोथिज्म। पैन का मतलब ऑल। इसमें मैं बता दूं पैनिसिया वर्ड बहुत रिपीट होता है। पैनिसिया का मतलब वन रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, रामबान, एक सॉल्यूशन है सारे प्रॉब्लम्स का, वो क्या है? पैनिसिया है। पॉली का मतलब मेनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी होता है। पॉलीगैमिस, समवन हु मैरिज मोर देन वंस। पॉलीग्लॉट, समवन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेजेस। पॉलीक्रोम, पॉलीथिस्ट, समवन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, पॉलीथिस्ट। एसयूपी का मतलब अबव होता है, सुपीरियर, सुपरनैचुरल, सुपरवाइज। ट्रांस का मतलब अक्रॉस, ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांजिट। तो इस तरह से मैंने क्या बताया, ये सब कुछ वो इनिशियल है जो बहुत रिपीट होता है आपके एग्जाम्स में। इसके अलावे भी कुछ और रूट वर्ड्स है, ऑरिजिन वर्ड्स है जो आपको लर्न करना है। यू विल सी आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, कीप वॉचिंग अवर वीडियोज, विल कम अप विद वेरी हेल्पफुल कंटेंट इन कमिंग डेज, है ना। कीप प्रिपेयरिंग, कीप सेंडिंग मी योर रिक्वायरमेंट्स, वी विल फुलफिल इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।